सिकरीगंज पुलिस ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने खुलासा करते हुए बताया कि संतोष मणि ओझा उर्फ मोनू ओझा पुत्र स्वर्गीय किशन प्रसाद ओझा निवासी हरपुर हरेडा थाना सिकरीगंज को 28 जुलाई को उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया था और उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली। वादी की तहरीर पर खजनी थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और सर्विलांस टीम की मदद से नंबर का लोकेशन निकाला गया तो उसका लोकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पाया गया, जिसके बाद सिकरीगंज पुलिस बिलासपुर गई और सर्विलांस टीम एवं कोतवाली बिलासपुर की पुलिस से समन्वय स्थापित कर आरोपी की छानबीन की गई, जिसकी पहचान बजरंग जागीर पुत्र जसराम जागीर निवासी पादरी जोधा थाना कुचेरा जिला नागौरा राजस्थान के रूप में हुई, जिसकी लोकेशन बिलासपुर के रामा वार्ड के प्रदीप झा के मकान पर पाई गई, जिसको बिलासपुर कोतवाली एवं सर्विलांस टीम की मदद से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद बिलासपुर न्यायालय से ट्रांजिस्ट रिमांड लेकर गोरखपुर न्यायालय पहुंचे, जिससे पूछताछ कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में खजनी थाने के उप निरीक्षक मनीष कुमार त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल पवन उपाध्याय, कांस्टेबल मोनू यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने कहा, दिनांक 28 जुलाई को अपने सिकरीगंज थाना अंतर्गत संतोष मणि ओझा साहब को 1 करोड़ की फिरौती देने और न देने पर जान से मार देने की धमकी मिली, जिसके संबंध में हमने 3 टीमें लगाई। 1 टीम उनके सुरक्षार्थ लगाई, 2 टीमें हमने इस घटना के खुलासे के लिए लगाई कि आखिर सच्चाई क्या है। जब हमने जांच किया तो जांच के अनुक्रम में हमें पता चला कि बजरंगी जंगीर, जो कि राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं और जिनकी उस तत्काल लोकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पाई गई थी, हमने बिलासगढ़ पुलिस से कोऑर्डिनेशन किया और हमने अपनी यहाँ से टीम भेजी, ट्रांजिट रिमांड पर ले आए हैं हम, बजरंगी जंगीर आपके सामने हैं। और जब इनसे पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि ये कई अन्य लोगों को भी फिरौती के लिए कॉल किए थे। इनके CDR एनालिसिस से भी ये बात जाहिर हुई और इनका उद्देश्य ये था कि अगर कहीं से कुछ इनको फिरौती की रकम मिल जाती तो ये मतलब एक प्रयास ये कर रहे थे कि फिरौती की रकम इन्हें कहीं से भी मिल जाए। तो इन्होंने कई अन्य लोगों पे भी किया है, जिसके संबंध में हम जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या इनके कोई इसके पहले कोई इतिहास आपराधिक इतिहास इनका है? अब इनका आपराधिक इतिहास छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है, हमने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया है, अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं पाया।